राम राम दोस्तों, मैं गजेंद्र गहलोत आपको बताता हूँ मिश्रित खेती कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं पपीता और गेंदा। पपीता ये ताइवान 786, गेंदा कलकत्ती है। इसकी ज़्यादा हाइट नहीं रहती है, छोटा ही फूल आना चालू हो जाते हैं। आज ये पपीता 5 महीने का प्लांट है। पपीता देख लीजिए, बड़े होने लग गए हैं और ऊपर भी फ्रूटिंग चालू है। शानदार पपीता है। इसी जगह में दोस्तों, पहले जो बेड देख रहे हैं आप, इन्हीं बेड पर तरबूज की खेती हुई थी और साथ में पपीता लगाई थी। तरबूज भी अच्छे बिके और अच्छे भाव में बिके, उत्पादन भी अच्छा हुआ और हमको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे खेत पर ही व्यापारी की गाड़ी आती, गाड़ी खुद व्यापारी स्वयं भेजता। सिर्फ हमें तोड़ाई का जो मजदूर लगे हैं वो दिए हैं, बाकी तरबूज में कुछ भी यहाँ से लेके उठा पटक कुछ भी नहीं की है। स्वयं व्यापारी का बंदे आते और गाड़ी खेत पर बाहर लगाते सेड़े पे, सिर्फ अपने को 5-4 मजदूर कर गाड़ी भरनी है और बड़े कांटे पे तुल जाती है। और पेमेंट हाथों हाथ, जितने कुंटल तरबूज हुए वो हाथों हाथ पेमेंट खेत पर करता है। उस टाइम तरबूज 15 रुपये से स्टार्ट किया था हमने और आखिरी तक 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये तरबूज बिके हमारे। 1 बीघे से तरबूज की कमाई 2 लाख की हुई है। और अब ये दूसरी फसल ककड़ी देख लीजिए, पपीता, ये भी फ्रूटिंग अच्छी है। इसमें भी सभी पौधों में अच्छी है और ये फूल भी आ गए हैं। अब देखिए, पहले 2 लाख रुपए बीघे के तरबूज हो गए और अब पपीता 5-6 लाख रुपए बीघे की पपीता होगी और 50 से 60 हज़ार रुपये इसके गेंदे के हो जाएंगे। गेंदे भी अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, कलकत्ती गेंदा बहुत शानदार फूल बड़ा है ये। और ये मार्केट में 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ज़्यादा बिकता है। अब इसकी हार्वेस्टिंग 8 दिन बाद चालू हो जाएगी। इनको रतलाम या उज्जैन मंडी में इनको बेच सकते हैं। और पपीता का तो अपने को है ही नहीं कोई दिक्कत, व्यापारी खुद आते हैं खेत पर, तोड़ते हैं और खुद ही गाड़ी लोड करते हैं। बस अपने को यही देख रेख, विजिट करना आना जाना यही रहता है। इसकी दूरी पपीता की लाइन से लाइन 10 फीट रखी है, इसमें पौधे से पौधे 5 फीट रखी है। और बीच में जो बेड दिख रहा है ये हमने पौधा 2 फीट पर लगाया है। गेंदा भी ज़ोरदार है। गेंदा लगाने का एक ही कारण है, जो लिप कर वायरल आता है पपीता में, तो वो मच्छर, जो सफ़ेद मच्छर पपीता को छोड़कर गेंदे पर काम करते हैं, तो अपनी पपीता सुरक्षित रहती है और अपने को नुकसान नहीं होता उससे। ये मिश्रित खेती है दोस्तों, एक ही खेत से 3-3 खेती और सभी में मुनाफा, घाटा किसी में भी नहीं है। आज हमारे पपीता भी शानदार खड़ी है, हमारी कलकत्ती भी शानदार खड़ी है और पहले हमने तरबूज बेचा वो भी शानदार बेचे। सब बड़े बड़े तरबूज 7-8 किलो, 5 किलो, 6 किलो से कम नहीं हुए हमारे। तरबूज की भी अच्छी खेती है दोस्तों। एक बार खर्चा किया, फिर बाद में कुछ ज़्यादा दवाई दारू नहीं लगती है। शानदार फूल लगे हैं, शानदार खेती है। आप भी ऐसी तकनीक से खेती करिए, एक ही जगह से 3-3 फसल ले सकते हैं। और किस टाइम पे लगाना है, कब लगाना है,
हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमने फरवरी में लगाई थी ये और आज जोरदार खड़ी है। जय श्री राम।